जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल और गुरु ये तीनों एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये बड़े ऊंचे दर्जे का राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति समाज में पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, धनवान होता है और भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख मिलता है। जैसे लग्न में चंद्रमा, दस चतुर्थ भाव में गुरु और दशम में मंगल हो तो ये राजयोग होता है, या तृतीय भाव में चंद्रमा हो, छठे भाव में मंगल हो और नवम भाव में गुरु हो तो ऐसा योग बनता है। यानी चंद्रमा, मंगल और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये राजयोग।